आज बाजार ने एक अलग सी चाल दिखाई। आपके लिए कितनी एक्सपेक्टेड थी, आपका कितना अंदाजा था या कितना पता था, या हम ये कहें कि ये तो बहुत ही इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल रीजंस पे, इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं काम करता और ये तो अनएक्सपेक्टेड था। देखिए, ठीक है, कुछ फंडामेंटल रीजन होते हैं मार्केट में, बट अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, और कई बार ऐसी मूवमेंट जो मार्केट में देखने को मिलती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए कहीं ना कहीं लेकर आती है। एग्जाम्पल के तौर पे, हमें कोई चीज खरीदनी है, हमें लग रहा है कि कोई स्टॉक 100 रुपए पे बहुत अच्छा है, खरीद सकते हैं, बट उसमें कोई बैड न्यूज आती है और वो स्टॉक की कीमत घट के 90 रुपए हो जाती है, तो वो 90 रुपए हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं, तो वो भी एक रेट अच्छा होता है खरीदने के लिए। तो अब अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो निफ्टी अभी 17,024 के आसपास काम करा रहा है, और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक अप अप ट्रेंड लाइन का एक बहुत बढ़िया, बहुत पैटर्न सपोर्ट ले रहा है। आप जैसे कि मेरे चार्ट पे देख पा रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे ले रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। निफ्टी को आप इसी रेट पे खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और उसकी अगर मैं बात करूं तो आज के लोग का डे लोग का ऐसे लग के काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन ही आपको 17,150 का भाव निफ्टी में दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, तो निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट मार्केट यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट ले रहा है मार्केट और निफ्टी को यहाँ से सर करंट लेवल्स पे ही खरीदारी करें या किसी डिप में करनी है, क्योंकि आज तो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास काम कर रहा है। नहीं, आप इसको करंट लेवल पे ही ले सकते हैं, और डे लो का ऐसे लगा के भी अगर आप काम करेंगे तो इंट्राडे में पैसा बन सकता है। इंट्राडे में तो एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है, क्या लंबी अपॉर्चुनिटी भी कुछ निकल रही है वीकली या मंथली बेसिस पे एक्सपायरी के लिए, ऐसे कुछ काम कर देखो, तो वीकली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो मुझे 19,000 रुपये लग रहा है निफ्टी, 19,000 रुपये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीकली पे पैटर्न बना हुआ है बुलिश एंगल्फिंग। बट वही है, फिर अब जब हम किसी को बोलते हैं कि 19,000 जा सकता है, वीकली पैटर्न बना हुआ है, तो लोग क्या क्या उसी रेट पे खरीदना चालू कर देते हैं, वो सोचते हैं कि बस अब यहीं से ही तेजी हो जाएगी। क्योंकि वीकली अगर चार्ट देखते हैं तो वीकली में बेसिकली जो बाइंग बनती थी वो 17,350 के आसपास निफ्टी में बाइंग बनती है, वहां से 17,000 निफ्टी ऑलरेडी आ चुके हैं, 300 साढ़े 300 पॉइंट घट घट चुका है वहां से। और कहना चाहूंगा कि एसएल जो बनता है वो 16,000 के आसपास का बनता है, बट टारगेट यहाँ से फिर 19,000 का है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, पेशेंसली अगर मार्केट में काम करते हैं, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे बाय ना करके, अगर आप यहाँ पे अगर आप खुद ट्राइटिंग करते हैं या फिर आप फ्यूचर में काम करना चाहें, तो मेरे हिसाब से आप इसको राइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है निफ्टी पे, इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी निकल रही है और यहाँ पे किस तरीके से काम कर सकते हैं ये बता दिया है उन्होंने।